मैं निर्देशक महोदय को अपने जन्मदिन उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस शुभ दिवस पर मैं एक हसे कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आजकल के बच्चे वजन ढा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो सात आठ भाई बहन थे, खूब मन लगाकर रात रात तक पढ़ते थे, फिर सबको मिलाकर 60-70% आ जाते थे, फिर भी कभी उदास नहीं हुआ करते थे। मेरा छोटा भाई बड़ा पढ़ाकू था, बड़ी मुश्किल से उसको पहली कक्षा में दाखिल कराया था, फिर 5 साल बाद उसको पहली कक्षा से निकाल दिया गया। याद है मुझे 12वीं में मेरे अकेले के 48% आए थे, घर वाले इतने खुश थे कि फूले न समाए थे। भाई जब बल्ब बहुत घड़ी थी, बड़ी बुआ तो आरती का थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने तो इतिहास रच दिया। दादी ने सवामणि का प्रसाद का भंडारा रख दिया, मार्कशीट शीशे में चढ़ा कर ड्रॉइंग रूम में लगा दिया, पढ़ाइयों का खिताब अलग गया। बड़ी अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड ज्योति जलेगी। ये बात थी कि 6 महीने से पहले उसकी पढ़ाई को छुड़वाना पड़ा और अखंड ज्योति को भी बुझाना पड़ा। जो बच्चा एक कक्षा में कई कई साल लगा देते अध्यापिका तो उन्हें क्लास का मॉनिटर बना दिया करते थे। कभी कभी तो सिलेबस भी एक्सपायर हो जाता, बच्चे वहीं पर बैठे जाते और मास्टर वहीं से रिटायर हो जाते थे। जो बच्चा एक कक्षा में कई कई बार रह जाते घर वाले तो उनके रिश्ते भी छुड़वा देते। पता नहीं आजकल ये बच्चे किस तनाव में हैं, हर समय एक अभाव में हैं। बच्चों का बचपन निकल गया बस्ती का धोते धोते, परिजनों का प्यार मोबाइल और कंप्यूटर के भेंट चढ़ गया। धन्यवाद। सुप्रभात, सबसे पहले मैं हमारी प्रधानाचार्य एवं निर्देशिका को उनकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी हास्य कविता का शीर्षक है इतिहास परीक्षा। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, वे गुजरे शकुन घर से चलते ही दायां हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वो केवल आधे याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तलक आते आते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट, द्वार पर चपरासी ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तना दौड़ कर कमरे के भीतर आया, पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टुक झूम गया, पर तेज छाया अंधकार चक्कर आया सिर घूम गया। उसमें आए थे वे सवाल जिनमें मैं गोल रहा करता, पूछे थे वही पाठ जिनमें दावा डोल रहा करता। ये 100 नंबर का पर्चा है, मुझको 2 की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया बैठे मैं हो सकता पास नहीं। वो प्रश्न पत्र लिखने वाले क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम, तू लिख दे तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम। आग मीट कर बैठ गया, बोला भगवान दया कर दे, मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस भर दे। मेरा भविष्य है खतरे में, मैं झूल रहा हूँ दाएं बाएं, तुम करते हो भगवान सदा संकट में भक्तों की सहाय। आकाश चीर कर अंबर से आई गहरी आवाज एक, रे मूढ़ व्यक्ति क्यों रोता है तू, आँख खोल कर इधर देख। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत किया करो, मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। मेरे अंतर के पाठ खुले,
परचे पर चली कलम चंचल, जो किसी खेत की छाती पर चलता हो हलवाई का हल। लिख दिया महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में आप मिचोली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था, अकबर ने हिंद महासागर अमरीका से मंगवाया था। महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था, औरंगजेब रंग में आकर लोगों की जेब काटता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो जो सवाल थे याद नहीं वही पर्चे पर लिख मारे। तो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख देख बोला, इन सारे छात्रों में बस होनहार है यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छाट लिए, 0 नंबर देकर बाकी सारे नंबर काट लिए। धन्यवाद। आज मैं सबसे पहले अपनी प्रधानाचार्य महोदय जी को उनकी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देना चाहती हूँ। अब मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। एक रोज मैं स्कूटर पर सवार होकर आ रहा था, सामने से देखा भ्रष्टाचार भी चला आ रहा था। मैंने हाथ जोड़कर बोला, भाई भ्रष्टाचार नमस्कार। भ्रष्टाचार ने भी तुरंत दिखाई शिष्टाचार और बोला, नमस्कार भाई नमस्कार। अपनी बातों को कुछ और आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार को अपनी बातों में उलझाते हुए मैंने पूछा, भाई भ्रष्टाचार ये क्या कर रहे हो? पिछले 72 वर्षों से इस देश को लगातार चल रहे हो, अब बताओ प्रस्थान कब कर रहे हो? भ्रष्टाचार तुरंत मुझसे बोला, नहीं रे मित्र, ऐसा ना कहो, मैं इस देश के भ्रष्ट डॉक्टर नेता इंजीनियर का कर्मधार हूँ। सच कहूँ तो मैं ही उनका कर्मव्यापार हूँ। मैं इस देश के भ्रष्टों ने ही तो मुझे निमंत्रण देकर बुलवाया है, तभी तो एक छत्र राज आया है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो इस देश के भ्रष्ट डॉक्टर नेता इंजीनियर अभावों में गिर जाएंगे। वे सभी एक दिन अपने आप को गरीबी के नाले में पड़ा पाएंगे। मेरी भौहें तन गई, चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। मैं बोला, यह देश सुभाष भगत आजाद का है, यह देश रामकृष्ण अवतार का है। जिस दिन इस देश का नौजवान जागेगा, भ्रष्टाचार तू क्या, तेरा बापू भी मेरा देश छोड़कर भागेगा। भ्रष्टाचार बोला, मित्र जिस दिन इस देश का नौजवान जागेगा, तेरे देश में पुनः राम राज लौट कर आएगा। तब तक बैठे रहो यहाँ और वक्त का इंतजार करो, तब तक तुम्हारा यह मित्र भ्रष्टाचार अपना व्यापार कुछ और बढ़ाएगा। धन्यवाद। आज मैं अपनी
अपनी प्रधानाचार्य को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव, मैं कक्षा 6B से आया हूँ और आज आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करूँगा जिसका शीर्षक है नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और, शक्ल अक्ल कुछ और तो नैन सुख देखे काने, शक्ल अक्ल कुछ और तो नैन सुख देखे काने, बाबू मुंशी लाल बनाए ऐनक ताने, बाबू मुंशी लाल बनाए ऐनक ताने, मुंशी चंदा लाल का तारकोल सा रूप, मुंशी चंदा लाल का तारकोल सा रूप, श्याम लाल का रंग तो जैसे हो खिलती धूप, श्याम लाल का रंग तो जैसे हो खिलती धूप, जैसे खिलती धूप सजे बुशर्ट पैंट में, जैसे खिलती धूप सजे बुशर्ट पैंट में, ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए टेंथ में, ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए टेंथ में, कहा काका की नाम है ज्वाला प्रसाद, है बिल्कुल ठंडे पंडित शांति स्वरूप पाए गए चलाते डंडे, पंडित शांति स्वरूप पाए गए चलाते डंडे, चतुर सेन मिले बुद्धू बुद्ध से निर्बुद्ध, चतुर सेन मिले बुद्धू बुद्ध से निर्बुद्ध, श्री आनंदी लाल जी रहे सर्वदा क्रुद्ध, श्री आनंदी लाल जी रहे सर्वदा क्रुद्ध, सर्वदा क्रुद्ध मास्टर जी चक्कर खाते, सर्वदा क्रुद्ध मास्टर जी चक्कर खाते, इंसानों को तो मुंशी तोता राम पढ़ाते, इंसानों को तो मुंशी तोता राम पढ़ाते, बेच रहे हैं कोयला लाला हीरा लाल, बेच रहे हैं कोयला लाला हीरा लाल, सूखे हैं गंगाराम रूखे मक्खन लाल, सूखे हैं गंगाराम रूखे मक्खन लाल, रूखे मक्खन लाल जीते दादा दादी, रूखे मक्खन लाल जीते दादा दादी, बेटा आसाराम निकले निराशावादी, बेटा आसाराम निकले निराशावादी, कहा काका कभी भीम सेन पिद्दी से हैं दिखते, कहा काका कभी भीम सेन पिद्दी से हैं दिखते, कवि वर दिनकर छायावादी कविता लिखते, कवि वर दिनकर छायावादी कविता लिखते, दूध नाथ जी पी रहे हैं सपरेटा की चाय, दूध नाथ जी पी रहे हैं सपरेटा की चाय, गुरु गोपाल प्रसाद के घर में मिली ना गाय, गुरु गोपाल प्रसाद के घर में मिली ना गाय, घर में मिली ना गाय समझ लो असली कारण, घर में मिली ना गाय समझ लो असली कारण, काका प्यारे लाल सदा गुर्राते दिखे, काका प्यारे लाल सदा गुर्राते दिखे, हरिश्चंद्र जी झूठे केस लड़ाते देखे, हरिश्चंद्र जी झूठे केस लड़ाते देखे, दोस्तों नाम धाम का काम से क्या है सामंजस्य, नाम धाम का काम से क्या है सामंजस्य, किसी पार्टी में झंडा राम नहीं मिले सदस्य, किसी पार्टी में झंडा राम नहीं मिले सदस्य, धन्यवाद।